डिप्रेशन, निराशा, अवसाद एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और 5 से 15% लोगों को ये बीमारी कुछ ना कुछ रूप में कभी ना कभी उनके जीवन में आने वाली है। कुछ अभ्यास के अनुसार 100 में से 25 लोगों को ये बीमारी उनके ज़िंदगी में कभी ना कभी आने वाली है। डिप्रेशन में एक तो क्या होता है कि आपका मूड ठीक नहीं है और हो सकता है कि आपका मूड 1-2 दिन तक डाउन रहे, डिप्रेस रहे, इमोशनली सैड है, मगर ये मूड यदि 15 दिन से अधिक ज़्यादा कंटिन्यूसली डाउन है, बहुत ही आप डिस्टर्ब है, नर्वस है, तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। कहता है कि इसमें उदासीनता आती है, मूड एकदम डाउन रहता है, सैडनेस है और इतना सैड लगता है कि समझ में नहीं आता इतना सैड क्यों है भैया। कुछ कारण की वजह से भी हो सकता है, कुछ बिना कारण भी हो सकता है। निराशा आती है, होपलेसनेस, और काफ़ी सारे लोगों को शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं और शारीरिक लक्षण में भूख नहीं लगना, अन्नपचन नहीं होना, सिर में दर्द, बदन में दर्द, लैट्रिन साफ नहीं होना, ये विचार दिखता है। बहुत सारे लोगों को निगेटिव विचार आते, इतनी निगेटिविटी भरी है कि सब इसमें वो निगेटिव ही देखते हैं। उनका बिहेवियर जो है, वर्तणूक, वो ठीक नहीं रहती है, हलचल नहीं है, एक जगह बैठे रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसा शून्य में देखते रहेंगे। उनकी भावना जो इमोशंस, वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, बहुत रोना आता है उनको या बहुत नकारात्मक विचार और भावना आती रहती है। नींद में, डिप्रेशन में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि नींद का कभी बहुत ज़्यादा नींद आती है या कुछ लोगों को बहुत कम नींद आती है। डिप्रेशन में कुछ लोगों को नींद आती है मगर सुबह जल्दी खुल जाती है। फिर लक्ष्य एकाग्र नहीं होना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना, भूल जाना, टायर्डनेस होना, बहुत जल्दी थक जाना, गुस्सा आना, और फिर भूख नहीं लगने से, खाना कम जाने से फिर वजन कम होना। कुछ लोगों को आत्महत्या के विचार आते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर भी डालते हैं। इसमें नए नए रिश्ते होते नहीं है, लोगों को टालते रहते हैं। डिप्रेस पेशेंट जो लोगों को टालता है, ऐसा लगता है कि अकेले बैठे रहूं और लोगों से बातचीत करना नहीं चाहता, संवाद बंद कर देता है। उसकी इम्यूनिटी जो है, प्रतिकार शक्ति, वो भी कम होती रहती है और फिर उसके वजह से हार्ट डिसीज ज़्यादा होते, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, पाचन संस्था के विचार, तो ये फिजिकल सिम्टम्स भी उसको होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है मतलब, तो फिर वजन भी बहुत कम हो जाता है। कुछ लोगों को ज़्यादा खाने से, डिप्रेशन में ज़्यादा खाना खाते हैं तो वजन बढ़ जाता है। तब इसका इलाज कैसे करना? एक तो एक मेडिसिन्स, यदि आपका डिप्रेशन इतना ज़्यादा सीवियर है तो रुकना नहीं है, एंटी डिप्रेशंस चालू करो। नए 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 एंटी डिप्रेशंस आए हुए हैं, वो एंटी डिप्रेशंस एक 10-15 दिन में 20 दिन में आपका डिप्रेशन ठीक कर डालते हैं। डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशंस नए नए उपलब्ध है और 8 से 15 दिन के अंदर ही उनकी एक्शन चालू हो जाती है। और कुछ जो सीवियर डिप्रेशन है जिसमें खुदकुशी के विचार आते हैं, आत्महत्या करने के विचार आते हैं, तो वो जल्दी ट्रीटमेंट देना जरूरी है और एंटी डिप्रेशन से काफ़ी लोगों को फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ RTMS, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, RTMS का है कि उसको मैग्नेटिक स्टिमुलेशन देते हैं ब्रेन को, उससे भी काफ़ी लोगों को फायदा होता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे बातचीत करके, काउंसिलिंग करके, हिप्नोथेरेपी जिसमें रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिससे डिप्रेशन के पेशेंट को फायदा होता है। डिप्रेशन का पेशेंट वैसे ही निगेटिव है, उसको लगता है कि कुछ भी करने से मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना चाहिए, बैठना चाहिए, तो फिर ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती इलाज करना होगा। ऐसे लोगों को पहले दवाई दे के थोड़ा सा लाइन पे लाना पड़ेगा और एक बार वो जरा सुनने के मूड में आए तो फिर इलाज करना होगा। डिप्रेशन एक अच्छी बात है कि डिप्रेशन ट्रीटेबल है, ट्रीट कर सकते हैं उसको, अच्छा हो सकता है व्यक्ति, इतना अच्छा हो जाता है कि कुछ कुछ मेरे ऐसे पेशेंट हैं कि आ जाते बोलते 5 साल पहले आपकी दवा लिया था, डिप्रेशन अच्छा हो गया, उसके पहले भी 10 साल पहले लिया था तब भी अच्छा हो गया था, मतलब ये तीसरा अटैक है और बीच में एकदम अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, एंटी डिप्रेशन लिया तो बराबर रहते हैं, नींद आएंगी, खाना बराबर जाएंगा एंटी डिप्रेशन से, और वो केमिकल लोचा जो है, मतलब केमिकल इम्बैलेंस, वो ठीक हो जाता है एंटी डिप्रेशन से और उनको अच्छा लगता है। तो जिसको जैसा सूट होगा वैसे उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी होती है और वो ट्रीटमेंट दिया तो डेफिनेटली आदमी डिप्रेशन से अच्छा हो जाता है। देखो, डिप्रेशन से होता क्या है, आदमी काम नहीं करता, काम नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती, काम पे नहीं जाएगा, छुट्टियां लेगा, उत्पादन क्षमता कम हो गई, नेचुरली नौकरी से निकाल देंगे, बेरोजगार हो जाता है।
तो इसे डिप्रेशन फटाफट ठीक करना चाहिए। डिप्रेशन में जिसको सुसाइड के विचार आ रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट है, तुरंत उसको इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी देना जरूरी है, ECT, उससे एकदम फर्क पड़ जाता है। एक दो ECT में आदमी हंसना चालू कर देता है, स्माइल देता है, तो वो बहुत ही जरूरी है। जब सुसाइडल थॉट, सुसाइडल आइडिएशन अटेम्प्ट है, तो ये आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।